वेलकम टू स्टडी जोन। आज है 15 अगस्त 2018 और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। और इस वीडियो में मैं आपसे 15 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी डिस्कस करूँगा। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। और इस वीडियो का PDF फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपसे कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2018 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा? तो इसमें आंसर आएगा, इस दिन भारत अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में कई क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसमें आंसर आएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसमें आंसर आएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान जनगणमन है और इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में रक्षा मंत्री है निर्मला सीतारमण और सेना प्रमुख है जनरल विपिन रावत। और नेक्स्ट है, नौसेना प्रमुख है एडमिरल सुनील लांबा। और नेक्स्ट, वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल BS धनोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल बलराम दास टंडन का 14 अगस्त 2018 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो इसमें आंसर आएगा, बलराम दास टंडन छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल थे और वे छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल 25 जुलाई 2014 को बनाए गए थे। और बलराम दास टंडन आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले नेताओं में भी शामिल थे। और राज्यपाल के निधन पर छत्तीसगढ़ में 7 दिन का राजकीय शोक की घोषणा की गई है। और वहीं बलराम दास टंडन का जन्म 1 नवंबर 1927 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन में मैंने आपका बताया था कि पूर्व लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी का भी निधन हुआ था। कई बार आपके क्वेश्चन ऐसे सेट किए जाते हैं कि आपके ऑप्शनों में बलराम दास टंडन सोमनाथ चटर्जी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं या ऐसे ही आपके कई ऑप्शन हो सकते हैं, तो आपको हर क्वेश्चन का क्लियर आंसर पता होना चाहिए कि बलराम दास टंडन छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल हैं, सोमनाथ चटर्जी पूर्व लोकसभा स्पीकर हैं और वे 2004 से 2009 तक के लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन राज्यपाल रहा था, कौन पूर्व लोकसभा स्पीकर रहा था, आपको ये क्लियर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हाईकोर्ट ने हाल ही में खुद को राज्य में गायों का कानूनी अभिभावक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसमें आंसर आएगा, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 25 गांव के हर समूह के लिए गाय आश्रय स्थापित करने और अपने पशुओं को त्यागने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। और हाईकोर्ट ने पेरेंट पैट्री के सिद्धांत के तहत खुद को गायों का अभिभावक नियुक्त किया है। आपका क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, जैसे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में किस हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो आपका आंसर आएगा, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड राज्य में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किस सिद्धांत के आधार पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खुद को गायों का अभिभावक नियुक्त किया है, तो आपका आंसर आएगा, पेरेंट्स पैट्री के सिद्धांत पर के आधार पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पेरेंट्स पैट्री का सिद्धांत क्या है, तो आपका आंसर आएगा, पेरेंट्स पैट्री का सिद्धांत है कि कोर्ट को किसी भी बच्चे या व्यक्ति जिसे सुरक्षा की आवश्यकता है उसके माता पिता के रूप में कार्य करने का अधिकार है। यह है आपका पेरेंट्स पैट्री का सिद्धांत। और नेक्स्ट है, अनुच्छेद 48A के तहत राज्य की जिम्मेदारी है कि वे पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश के वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा करें। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 48A के तहत क्या चीज आती है। और अदालत ने सभी निकायों को आदेश दिया है
कि वे एक साल के भीतर गाय और अन्य भटक गए मवेशियों के लिए गौशाला या आश्रयों का निर्माण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2018 में किसे बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा रानी मुखर्जी को, और उन्हें यह बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड हिचकी फिल्म के लिए दिया गया है। वहीं अगर बेस्ट फिल्म की बात करें तो बेस्ट फिल्म चुनी गई है संजू, और वहीं बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो संजू फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है, और वहीं संजू फिल्म के विक्की कौशल को इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है, और वहीं बेस्ट एक्टर की बात करें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है मनोज वाजपेयी को, और उनको यह अवार्ड गली गुलियां फिल्म के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जारी टेस्ट बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन से बल्लेबाज हैं? तो इसमें आंसर आएगा पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीवन स्मिथ, और स्टीवन स्मिथ पर प्रतिबंध लगा हुआ है, और हाल ही में विराट कोहली स्टीवन स्मिथ को पछाड़कर पहले नंबर पर पहुंच गए थे, और अब फिर से ताजा रैंकिंग जारी होने के बाद स्टीवन स्मिथ पहले नंबर पर पहुंच गए हैं, वही विराट कोहली दूसरे नंबर पर है। इसलिए आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप गलती से विराट कोहली को चूज कर सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना है स्टीवन स्मिथ दोबारा से पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं आपका एक ऑप्शन और है फकर जमान, फकर जमान भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पिछले करंट अफेयर के क्वेश्चन में मैं बताया था कि फकर जमान सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, और फकर जमान पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा वीरता के लिए पुलिस पदक से किसको सम्मानित करने का ऐलान किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सिपाही शरीफुद्दीन गनई और मोहम्मद तैलेफ को मरणोपरांत वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा आशीष कुमार बुटानी को, और आशीष कुमार बुटानी 1992 बैच के असम मेघालय कैडर के IAS अधिकारी है, और इस पद पर उनकी नियुक्ति 9 मई 2020 तक की गई है, और वहीं फसल बीमा योजना का शुभारंभ 2016 में एक राष्ट्र एक योजना की तर्ज पर किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यह योजना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी, और यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करती है जो अपनी खेती के लिए कर्ज लेते हैं और खराब मौसम में उनकी फसल खराब हो जाती है, और यह योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा नियंत्रित की जाती है, और यह योजना भारत के हर राज्य में संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू की जाती है, और इस योजना का प्रशासन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेक वेल्थ मैनेजमेंट और हुरुन द्वारा संयुक्त रूप से जारी रिपोर्ट में किसको देश की सबसे अमीर महिला घोषित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा गोदरेज ग्रुप की स्मिता कृष्णा को भारत की सबसे अमीर महिला बताया गया है, और इस रिपोर्ट के अनुसार उनके पास 37,570 करोड़ रुपए की संपत्ति आंकी गई है, और वहीं दूसरे नंबर पर है HCL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी निदेशक रोशनी नादर, और वहीं तीसरे नंबर पर है टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी जीवन सुगमता सूचकांक यानी लिवेबिलिटी इंडेक्स में पहले नंबर पर कौन सा शहर है? यह सर्वेक्षण देश के 111 शहरों में किया गया है, और यह इंडेक्स भारत में रहने के मामलों में अव्वल शहरों का है। इसमें पहले नंबर पर पुणे का स्थान आता है, वहीं दूसरे नंबर पर नवी मुंबई का स्थान आया है, तीसरे नंबर पर ग्रेटर मुंबई, और चौथे नंबर पर तिरुपति का नंबर आया है। वहीं अगर आप देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को 65वां स्थान मिला है, और फिलहाल केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, ये भी आपको मंत्री रिवाइज करते रहने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत अमेरिका गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसमें आंसर आएगा पीयूष गोयल ने। और पीयूष गोयल केंद्रीय रेल, कोयला, वित्त और कंपनी मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत से बच्चे गोद लेने की प्रक्रिया बहाल करने का फैसला किया है? तो इसमें आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया सरकार ने। बच्चों को दूसरे देशों में गोद देने का काम करने वाली कुछ पंजीकृत भारतीय एजेंसियों के बच्चों की तस्करी में लिप्त होने की खबरों के बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत से बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया पर 8 साल पहले रोक लगा दी थी। भारत सरकार ने किशोर न्याय कानून 2015 लागू करके और गोद लेने की प्रक्रिया 2017 की अधिसूचना जारी कर दूसरे देशों में बच्चों को गोद देने की प्रक्रिया को और सख्त बना दिया है और बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया बहाल करने के लिए सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी और महिला और बाल विकास मंत्रालय की ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ लगातार बातचीत चलती रही और गोद लेने की प्रक्रिया बहाल हो जाने से ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय मूल के निसंतान दंपतियों सहित बच्चों को गोद लेने के इच्छुक कई लोग भारत से बच्चे गोद लेने की अपनी इच्छा पूरी कर पाएंगे। और वहीं केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं मेनका गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने देश के किस वर्ग के लिए पिच टू मूव नाम से एक प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा उभरते उद्यमियों के लिए। पिच टू मूव प्रतियोगिता स्टार्टअप्स को अपने नए विचारों को बढ़ावा देने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कई बार आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वही नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है और प्रेजेंट में भारत का प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग का उपाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव कुमार और नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 30 सितंबर तक डीजल, पेट्रोल और CNG वाहनों में अलग अलग रंग के स्टिकर लगाने का आदेश दिया है? तो इसमें आंसर आएगा दिल्ली में। और अब पेट्रोल और CNG से चलने वाले वाहनों पर ब्लू कलर के स्टिकर और डीजल से चलने वाले वाहनों पर ऑरेंज कलर के स्टिकर लगाने होंगे। और दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है और इससे दूर से वाहनों की पहचान हो सकेगी कि वाहन कौन से ईंधन का उपयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14,000 करोड़ के PNB घोटाले के मामले में केंद्र सरकार ने 13 अगस्त 2018 को इलाहाबाद बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक को बर्खास्त कर दिया, उनका क्या नाम है? तो इसमें आंसर आएगा उनका नाम है उषा अनंत सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के आर्थिक संकट की वजह से दुनिया भर की ज्यादातर मुद्राओं में गिरावट आई है? तो इसमें आंसर आएगा तुर्की में हुए आर्थिक संकट की वजह से। और साल 2018 में डॉलर के मुकाबले तुर्की की मुद्रा लीरा 70% तक टूट चुकी है और अब यह दुनिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में शामिल हो गई है। और रुपये में भी मुख्य तौर पर जो गिरावट आई है वह तुर्की की मुद्रा लीरा की वजह से आई है और फिलहाल एक अमेरिकी डॉलर 70.04 भारतीय रुपये के बराबर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी करके राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 का पालन सुनिश्चित करने और लोगों से कौन से राष्ट्र ध्वजों का इस्तेमाल न करने को कहा है? तो इसमें आंसर आएगा प्लास्टिक से बने राष्ट्र ध्वजों का। क्विज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, रोजर्स कप 2018 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? आपके ऑप्शंस है नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, स्टेफानोस सिटसिपास और राफेल नडाल। क्विज के लिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल की नई अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शंस है मंजुला चेलूर, गीता मित्तल, इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बैनर्जी। इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि
ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।